हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है बात कर रहे थे क्लास 12 की फिजिक्स में कूलाम के नियम की, और उसी के साथ हमने आगे और भी आपको बताया था वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बलों में तुलना। ठीक, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे जो कूलाम का नियम हमने पढ़ा था, उस कूलाम के नियम के सदिश रूप के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए तो भाई देख लेते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या था। भाई कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या था, जरा ये बात देख लेंगे। कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप, तो अच्छा भाई जरा बात ये करेंगे आकर के कूलाम के नियम के सदिश रूप के बारे में। देखिए जरा यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, दो जो है समान आवेश ले लेते हैं। समान प्रकृति के हमने दो आवेश ले लिए, एक ये आवेश हो गया Q1, और यहां पर ये दूसरा आवेश मान लिया क्या हमने Q2। ठीक, देखिए हम कूलाम के नियम को ही भाई आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ये हमने मान लिया Q1 और ये क्या मान लिया Q2। इनके बीच की दूरी आपको पता है, पहले से हमने क्या ली थी, स्मॉल r। इनके बीच की दूरी को हमने क्या लिया था, स्मॉल r लिया था। ठीक है भाई। अच्छा अब जरा बात ये करेंगे आकर के, देखिए क्या होगा इस कंडीशन में, हम लोग सदिश रूप में क्या लेंगे आकर के, कि इस Q1 आवेश के कारण Q2 पर कितना बल काम करेगा, और Q2 आवेश के कारण Q1 पर कितना बल काम करेगा। देखिए सबसे पहले तो बात हम लोग ये कहेंगे आकर के, अभी हमने आपको बताया कि हमने जो आवेश लिए हैं वो कैसे थे, समान आवेश। आवेश कैसे थे, समान आवेश हैं, यानी कहने का मतलब कि इनकी जो प्रकृति है वो समान है, परिमाण अलग अलग हैं, परंतु जो प्रकृति है वो कैसी है, वो समान है। अच्छा अब जरा याद करिए, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब समान आवेश होते हैं तो उनके बीच जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है, प्रतिकर्षण का वैद्युत बल होता है। अब बताइए जब जरा ये दोनों समान आवेश हो गए, Q1 Q2 समान प्रकृति के आवेश हैं, दोनों धनावेश हो गए, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा। जब बताइए इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण का होगा, तो Q2 पर बल काम करेगा जो इसको इधर की ओर ले जाएगा, और Q1 पर जो बल काम करेगा वो इसको इधर की ओर लेकर के आएगा। तो Q2 पर जो बल काम कर रहा है वो हमने मान लिया कि देखिए F2 बल हो गया। कैसा हो गया भाई, F2 बल हो गया। और जो Q1 पर काम कर रहा है, Q1 पर काम कर रहा वो कैसा हो गया, F1 बल काम हो गया, जो इधर की ओर काम कर रहा। ठीक है, इतनी बात भाई सभी को समझ में आ रही भाई। अच्छा Q2 पर जो बल काम करेगा वो आवेश Q1 के कारण करेगा, Q2 पर जो बल काम करेगा वो आवेश Q1 के कारण करेगा, इसीलिए इस Q2 पर लगने वाले बल को हमने मान लिया F21, Q2 पर लगने वाला बल Q1 के कारण। इतनी बात समझ में आ रही होगी भाई। यहां पर भी हमने वही चीज देखी आकर के, Q1 पर लगने वाला बल Q2 के कारण। इतनी बात सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी भाई। देखिएगा इस बल आवेश Q2 पर लगने वाला बल F2, इसका एकांक सदिश ये हमने इधर की ओर मान लिया। भाई ये बल इधर की ओर काम कर रहा तो एकांक सदिश भी इधर की ओर काम करना चाहिए, तो इधर काम कर रहा जिसको हमने मान लिया क्या, R1 वेक्टर, जिसको हमने क्या मान लिया,
आर वन वेक्टर, या हम कह लिया अगर कि हमने इसको ले लिया क्या आर वन कैप, ठीक क्या ले लिया हमने भाई आर वन कैप ले लिया। अच्छा यहां पर देखेंगे आकर के भाई, यहां पर इस Q1 आवेश पर जो बल काम कर रहा वो इधर से कर रहा, कर किसके कारण रहा था Q2 के कारण कर रहा था, तो इसका जो हमने एकांक सदिश मान लिया क्या R2 कैप, ठीक। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी। अब यहीं से हमें सदिश रूप पता चल गया, यहीं से हमें सदिश रूप पता चल गया। देखेंगे क्या यहां पर हम लोग लिखते हैं कि Q1 पर लगने वाला बल Q2 के कारण, या पहले लिख लें Q2 पर लगने वाला बल Q1 के कारण, ठीक। ये देखेंगे भाई, हमने लिखा आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q2 पर लगने वाला बल। अच्छा बताइए Q2 पर लगने वाला बल हमारा कौन सा था भाई, F21 था। याद करिए Q2 पर लगने वाला बल कौन सा था, F21 था। तो अच्छा आप जरा देखेंगे, यहां से F21 हो गया हमारा, ये F21। तो भाई देखिए, हाँ हम बता रहे हैं क्या आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q2 पर लगने वाला बल हमने क्या लिया है F21, क्या लिया था भाई F21। इसके कारण इसका जो एकांक सदिश हम लोग ले रहे थे वो कौन सा R1, और किसके का किस पर लगने वाला 2 पर, तो इसको हम लोग R12 लिख देंगे, इसको 21 लिख लेंगे आकर के। चलिए अच्छा देख लेते हैं भाई, यहाँ पर लगने वाला बल F21 इज इक्वल टू, बाकी तो विद्युत बल का फार्मूला तो हमें पता ही है क्या, 1/4π0 Q1Q2/r2 जो हमारा पहले से चल रहा था। हमने लिखा 1/4π0 Q1Q2/r2। अब अच्छा चूंकि हमें सदिश रूप लिखना था, जब सदिश रूप लिखना है तो फिर अब हम क्या कहेंगे आकर के, यहाँ पर हमें उसका एकांक सदिश भी जोड़ना पड़ेगा। अच्छा इसके कारण इसका लगने वाला एकांक सदिश कितना था, R12 यही था। अब जरा याद रखेंगे भाई, आर कैप का फार्मूला होगा आकर के R⃗/r⃗। फार्मूला क्या होगा, R⃗/r⃗। ये इसका फार्मूला होगा, चूंकि 1-2 चल रहा था तो यहां पर क्या लगा रहेगा, 1-2 लगा रहेगा। अब अच्छा हमने देखा करके यहां पर लिख दिया F21⃗ = 1/4π0 Q1Q2/r2 R⃗/r⃗। ये हो गया। अच्छा इसको जब हम लोग परिमाण के रूप में लिखेंगे आकर के, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिर्फ R12 क्या यार, देखिए वही वाली तो बात होगी, आकर के दूरी की बात करें तो इसको हम लोग R ही लिख लेंगे आकर के। जब देखना इसको हम लोग R लिख लेंगे, फार्मूला हमारा क्या बनकर के आ जाता है, F21⃗ = 1/4π0 Q1 × Q2 / इसको हम R⃗/r⃗ को हम लोग क्या लिखेंगे, R के बराबर ही लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा R² और ये आ जाएगा R⃗/r⃗ में कितना हो गया R। अब देखना जरा ये R और ये R² दोनों क्या बन जाएंगे R³। तो फार्मूला आ गया क्या, F21⃗ = 1/4π0 Q1 × Q2/r³ और R⃗/r⃗। अब जरा एक बात और भी यहां पर भी हम लोग समझ लेंगे आकर के, ये जो हमारा R⃗/r⃗ आ गया है, क्या आ गया है, R⃗/r⃗ आ गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या R⃗ - R⃗⃗। इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं क्या, R⃗ -
आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर ये भी लिख सकते हैं, या आप इसको जैसे आर वन टू वेक्टर लिखा हुआ था उसी प्रकार लिखा रहने देते। तो ये आ गया, देखिए सदिश रूप आया है लेकिन आवेश Q2 पर लगने वाला बल ये निकल कर आ गया। ये कौन सा आया है? आवेश Q2 पर लगने वाला बल निकल कर आ गया है। ठीक, यहाँ पर हम जरा वही एक चीज देखेंगे आकर के आगे भैया, ये तो Q1 के कारण, अब कहेंगे कि आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। अब अच्छा अगर यहां पर भैया हम लोग बात करें Q2 पर लगने वाला जो है Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो Q1 पर कितना बल काम कर रहा था? F12, तो ये आ जाएगा F12 वेक्टर बराबर। अच्छा बताओ, ठीक देखिए बाकी तो हमारा यही चलता रहेगा क्या, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 upon R3 आ जाएगा। बस यहाँ पर जो निकल कर आया था ये चल रहा था R12, तो यहाँ पर चलेगा R21, तो ये हमारा यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस का कितना आ जाएगा R2 वेक्टर, यही आएगा ना। अगर बताओ उससे माइनस चिन्ह कॉमन कर लिया जाए, इससे माइनस चिन्ह कॉमन कर लिया जाए तो फिर यही बन जाएगा अगर के, तो हमने माइनस चिन्ह कर लिया कॉमन, तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 upon R cube और R2 vector minus R1 vector और माइनस चिन्ह जब कॉमन कर लिया गया। तो अच्छा बताओ बाकी ये क्या हो गया, ये किसका फार्मूला था? ये तो ये वाला आ गया F21 vector का, तो ये आ गया हमारा F12 vector is equal to minus का F21 vector, तो लगने वाला जो बल होगा वो बराबर बराबर बल काम करेगा। बस शर्त ये होगी कि माइनस चिन्ह ये दिखा रहा है कि दोनों बल विपरीत होंगे, माइनस चिन्ह क्या दिखा रहा है कि दोनों बल जो होंगे वो कैसे होंगे, हमारे विपरीत बल होंगे। ठीक, इतनी बात भाई सभी लोगों के समझ में आ रही होगी। तो ये हमारा हो गया था क्या, इनका सदिश रूप हो गया था। ठीक, कूलाम के नियम का सदिश रूप हो गया था। इतनी बात फिलहाल सभी लोगों के समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं भाई, जरा आगे बढ़ रहे हैं देखिएगा। ठीक, आगे देखिए भाई हम लोग बात करेंगे अब परावैद्युतांक, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके थे के जिससे लिखते थे, परावैद्युतांक की बात करेंगे भाई। परावैद्युतांक देखिए, अभी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, एक था हमारा कहीं पर हमने यूज किया था एप्सिलॉन नॉट, क्या यूज किया था एप्सिलॉन नॉट, और ठीक एक और जरा समझ लेंगे ये हो गया एप्सिलॉन। इन दोनों को हम लोग कहते क्या थे, इसकी बात तो बताई गई थी, ये क्या थी, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, और इसको हम लोग कह लेते हैं क्या, वैद्युतशीलता। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया था, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब अच्छा जरा बात हमें करना है इस परावैद्युतांक के बारे में, परावैद्युतांक के क्या होता है, तो अब जरा समझेंगे। देखिए परावैद्युतांक के का सबसे पहले हम लोग फार्मूला सीख लेते हैं भाई, परावैद्युतांक के का हम लोग क्या करते हैं, पहले फार्मूला सीख लेते हैं। तो जरा देखेंगे भाई, के बराबर फार्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, के बराबर फार्मूला क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहां से जरा देखेंगे आकर के, एप्सिलॉन को अभी बताया गया था क्या था, जिस माध्यम का परावैद्युतांक हमें देखना है उस माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की क्या, वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट को तो पहले से बता दिया गया था, ये क्या था भाई हमारा, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, और के क्या हो गया था, माध्यम का परावैद्युतांक, के क्या हो गया था, माध्यम का परावैद्युतांक। अब जरा देखेंगे भाई, अगर हम परावैद्युतांक की परिभाषा दें तो क्या कहेंगे, परावैद्युतांक की परिभाषा में कहेंगे किसी माध्यम की वैद्युतशीलता,
तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग कह लेते हैं क्या, परावैद्युतांक कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो जो देखिए वैद्युतशीलता ये भी है, ये भी वैद्युतशीलता है, जो इसका मात्रक होगा वही इसका मात्रक होगा। जब दोनों के मात्रक सेम सेम होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, कोई भी मात्रक नहीं होगा, लिख देंगे कोई भी मात्रक नहीं होगा, कोई भी मात्रक नहीं होगा। जब मात्रक नहीं होगा तो फिर इसकी कोई विमा भी नहीं होगी। जिस राशि की कोई विमा नहीं होती है, जिस राशि की कोई विमा नहीं होती है उसे हम लोग क्या कह लेते हैं, विमाहीन राशि। उसको हम लोग क्या कह लेते हैं, विमाहीन राशि। तो ये कैसी राशि है, विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं है। और चाहे इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, अनुपातिक राशि। इसको हम लोग और भी क्या कह सकते हैं, अनुपातिक राशि भी कह सकते हैं। तो हम कहेंगे इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, या एक अनुपातिक राशि होती है, या एक विमाहीन राशि होती है। तो बात यहाँ पर परावैद्युतांक के बारे में सब लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। आगे अब देखना, आगे हम लोग बात करेंगे, ये जो एप्सिलॉन नॉट हम लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ये एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में जरा पढ़ देते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इस एप्सिलॉन नॉट जो निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसका मात्रक क्या होगा, इसकी विमा क्या होगी, ठीक, इस सब के बारे में जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हमने हेडिंग डाल ली क्या, एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक तथा विमा। एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक तथा विमा। अब जरा बात समझेंगे आकर के एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक और विमा के बारे में। तो देखिए सभी लोग भाई पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे थे, अभी पढ़ा था क्या, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यही था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और सभी को जरा एक बात ये भी बताई गई थी कि ये जो हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना बताया गया था, 9×10^9, यही बताया गया था ना। अच्छा अब हमें मान चाहिए किसका, सबसे पहले हम लोग मान निकाल लेते हैं भाई, मान हम लोग निकालते हैं पहले। अच्छा देखेंगे जरा, यहाँ से हमें इसका मान निकालना है, तो 4π को हमने इधर कर दिया करके, पहले 4π को इधर कर दिया, तो आया क्या हमारा 1/ε0 इज इक्वल टू 4π×10^9×10^9, यही आया ना। अब साइलेंट नाट को हम लोग ऊपर करते हैं, अच्छा इसके अपान में इधर लिखा हुआ, दोनों को पलट देते हैं, तो आया क्या हमारा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4π×9×10^9, यही आया ना। अब जरा सभी के मान लिख लेते हैं फिर हल कर लेते हैं इसको। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4π का मान हो गया कितना, 22/7 को ऊपर पहुंचा लिया हमने भाई, × 9×10^9, यही हो गया। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू अब देखते हैं जरा भाई, इसको सॉल्व करना है अपने आप से, आप लोग सॉल्व करिए इसको। तो हम जरा बताते हैं, इसका सॉल्व करने पर जो है नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 792, 7/792×10^9। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, अब हम लोग इसको जरा देखे, घात को ऊपर लेकर के जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 10^9, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे आकर के तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा कितना, 0.00885, कितना आ जाएगा, 0.00885। ये सॉल्व होकर के भाग करेंगे 7 को इससे, 792 से, तो इस तरीके से ये निकल कर आ जाएगा भाई। अब दशमलव हम लोग क्या करते हैं, 1, 2, 3 अंक खिसका देते हैं, तो अब साइलेंट नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जरा देखेंगे भाई, 1, 2, 3 अंक हमने दशमलव खिसका, तो 8.85×10^-3 और माइनस का 9 पहले से हो गया।
अब इन दोनों को जरा हम लोग हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। आएगा आप साइलेंट नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। इन घातों को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस की हैं जुड़ जाएंगी, तो कुल मिलाकर के हमारा साइलेंट नॉट का जो मान निकल कर आ गया है वो कितना आया है, 8.85 × 10⁻¹². ये मान निकल कर आ गया है। आगे जो है हम लोग बात करेंगे, अब आगे बात करेंगे भाई इसके मात्रक की। किसकी बात की जाएगी, मात्रक की बात की जाएगी, मात्रक की बात करेंगे भाई। तो अभी देखिए हम लोग ये एप्सिलॉन नॉट वाला सिस्टम आया कहां से था, एफ से निकल कर आया था। एफ इज इक्वल टू फार्मूला था क्या, 1/4π εr Q1 × Q2/r² यही था ना, यही था। अच्छा आप जरा बात करते हैं, हमें अब साइलेंट नॉट का मात्रक चाहिए, बाकी सभी के मात्रक जरा लिख लेते हैं। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, 1/4 तो कांस्टेंट हो गया, पाई भी कांस्टेंट हो गया, कोई मात्रक नहीं। अब साइलेंट नॉट का हमें मात्रक चाहिए, इंटू आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, और इसका भी मात्रक हो गया कूलाम, अपान में आर क्या था, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दूरी का मात्रक हमने लिख लिया मीटर, और स्क्वायर था स्क्वायर लगा लिया। अब जरा इनकी देखिए, सबको एक तरफ कर लेते हैं, अब साइलेंट नॉट इधर लेकर के आते हैं और इसको इधर लेकर के चले आते हैं, देखेंगे जरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से। अब साइलेंट नॉट हम लोग इधर लेकर के आए तो ये हो गया हमारा कूलाम, कूलाम की गुणा हमने कर लिया, कितना आ गया कूलाम स्क्वायर, और अपान में न्यूटन आ जाएगा और मीटर स्क्वायर, न्यूटन हो गया और क्या हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक। तो यही आ गया इसका क्या मात्रक निकल कर आ गया, अगर मात्रक की भाई बात की जाए तो क्या आ गया है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाता है इसका मात्रक हो जाएगा। अब आगे थोड़ी सी बात जो है रह जाती है इसके विमा की, किसकी बात रह जाती है, विमा की बात रह जाती है, तो वो भी जरा सब लोग भाई सीख लेंगे विमा इसकी क्या होगी आकर के। तो बड़ा ही सिंपल है, देखेंगे भाई विमा, हमने यहाँ से हेडिंग डाल ली विमा, और जरा आप समझ लेंगे इस बात को, विमा को भी देखेंगे जरा, विमा हम लोग यहीं से ना निकाल लें आकर के इसकी। देखिए बताओ कूलाम मात्रक किसका हुआ, आवेश का, और आवेश की विमा क्या होती है, एटी। देखिए अगर नहीं पता है तो आवेश क्यों का फार्मूला क्या होता है, आई टी, आई की विमा हो गई ए, और समय की विमा हो गई क्या टी, तो क्यों की विमा क्या हो जाती है एटी, ये होती है ना। तो आवेश की विमा हम लोग कूलाम की विमा लिख देंगे आकर के एटी, ठीक। स्क्वायर चल रहा था फिर हमने लिख लिया एक बार यार एटी, दो बार कर दिया इसको, स्क्वायर का मतलब दो बार कर लिया। अपान न्यूटन, न्यूटन का क्या हो गया भाई, बल हो गया, न्यूटन का मतलब क्या हो गया, बल हो गया। बल की विमा सभी को पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो एफ इज इक्वल टू एम ए, एम का मास माने एम की विमा हो गई कैपिटल एम, और ए जो था ए, ए का मतलब होता है त्वरण, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वहां से हम फिर विमा निकालेंगे इसकी। तो कुल मिलाकर के बल की विमा जो निकल कर आ जाएगी हमारे एम एल टी माइनस टू, क्या निकल कर आएगी एम एल टी माइनस टू। अच्छा अब रह गया मीटर, मीटर का लेंथ की विमा सभी को पता है क्या होती है, लंबाई की विमा एल होती है, और टू था तो हमने टू लगा लिया, ठीक, एल स्क्वायर कर दिया। अब जरा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे भाई क्या विमा निकल कर आ जाती है, एम ऊपर जाएगा तो एम माइनस वन हो जाएगा, ठीक, एक एल ये हो गया, दो एल ये हो गए, तीन हो गया तो एल की पावर माइनस थ्री हो गया। अब देखेंगे भाई टी की पावर माइनस टू ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ऊपर दो टी पहले से ही है तो टी की पावर कितना आ जाएगा, फोर हो जाएगा, और ए बचा हुआ था, ए ऊपर दो बार है, ए टू आ जाएगा, तो इसकी विमा क्या निकल कर आ गई है, एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए टू, ये इसकी क्या निकल कर आ जाती है भाई, विमा निकल कर आ गई है। इतनी बात भाई फिलहाल सभी को समझ में आ गई होगी, अब आगे की जो बात होगी वो नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। फिलहाल यहाँ तक जो बात अगर ना समझ में आई हो, आप बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं, ठीक। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रहेगा,
अब आगे की जो बात की जाएगी वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। बाकी सभी लोग भाई इसका नोट्स बनाते रहें और अपनी कॉपी पर उसको लिखते रहें, कंप्लीट करते रहें। फिलहाल इतना ही।